हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं दूधाड़ी वाटरफॉल, इसको पड़घे वाटरफॉल भी बोलते हैं। ये पालघर और उमरौली के बीच में आता है। हमारे घर से इसका डिस्टेंस सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पे था। बहुत ही अच्छी और सुंदर प्लेस है, तो आप यहाँ पे आइए, इंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ब्लॉग में बने रहिए। रास्ते थोड़े बहुत कीचड़ वाले थे पर जगह बहुत ही अच्छा है। चलो 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 ना, चलो पकड़ मेरे को, चलो स्लिप हो रहा है। चलो गिर जा मत, वो भी मत। चलो मैं पकड़ा हूँ यार, चलो खतरनाक ट्रैफिक। यहाँ रास्ते में बहुत ही कीचड़ मिलेंगे क्योंकि जंगल का पूरा रास्ता है ना, गांव के एकदम लास्ट में कोने में है। तो आप अगर यहाँ पे जा रहे हैं तो अपने साथ शूज के अच्छा वाला कैरी कीजिए और फिर जाइए, ज़्यादा दूर का डिस्टेंस नहीं है। ये थोड़ा मज़ा होना चाहिए, होना चाहिए। ये जो हम लोग उधर भगवान जी जो उस वाटरफॉल में गए थे ना, कौन सा वाटरफॉल मान उधर उधर नागजरी नागजरी में नागजरी नहीं नागजरी में, हाँ वो ऐसा खराब रास्ता नहीं है। हाँ वो थोड़ा हिली है ना, वहाँ पे पत्थर वगैरह थे एक्चुअली ग्रिप बनाने के लिए। ये क्या है, अभी बारिश नहीं ना इसलिए वो ऐसा हो गया। और अब हम मेन जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे वाटरफॉल है। थोड़ा सा ट्रैकिंग का रास्ता है, ये पहला नज़ारा हमको मिल चुका है यहाँ से। बड़ा अच्छा लग रहा है छोटा सा ट्रैक करके और यहाँ आने के बाद। और हम थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जा रहे थे, मतलब जहाँ पानी बह रहा था उसके एकदम नज़दीक जा रहे थे, तो यहाँ ऊपर हम चले गए। उसके बाद आज ना मेरे हस्बैंड जी का और देवर जी का बर्थडे था, तो हम सब ने प्लान किया था कि यहीं पे जाके उनका केक कटिंग होगा। तो सब लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और केक कटिंग का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। ये इनके दोनों फ्रेंड्स थे। Oh, wow. Hi, guys.
तरह के कचरे यहाँ पे नहीं छोड़ के जाएं, जगह बहुत अच्छी है और ऐसे गंदगी नहीं चाहिए। बस एक आधा पौना घंटा रुके थे, शाम हो गई है, 6:30 बज रहा है, बस यहाँ से निकल रहे हैं। अब यहाँ से पब्लिक भी चली गई, हमारे तो काफ़ी पब्लिक थी पर अभी सारे चले गए हैं, बस चलते हैं अब यहाँ से। यहाँ से ऊपर जाके आप डायरेक्ट वहाँ जा सकते हैं, यहाँ से भी ट्रैकिंग का कुछ रास्ता है पर हम नहीं गए क्योंकि हम सब फैमिली वाले थे तो इसलिए हम यहाँ से नहीं गए ऊपर। बाकी अगर आप बैचलर आ रहे हो तो आप यहाँ से ऊपर जा सकते हो। प्लेस बहुत अच्छी है, अगर आपको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए तो आप थोड़ा और 15-20 दिन रुक के फिर आइए यहाँ पे, तो आपको पानी का बहुत अच्छा सोर्स मिलेगा। बाकी कुछ नहीं है, चलिए बारिश भी आने वाली है, बस नेचर बहुत अच्छा है यहाँ पे। लास्ट में आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी वाटरफॉल पे जा रहे हैं तो अपनी सेफ्टी के साथ जाइए और ध्यान से जाइए और सुरक्षित अपने घर वापस रिटर्न आइए। बस एंजॉय कीजिए, नेचर को एंजॉय कीजिए, खूबसूरती को देखिए और उसके बाद सेफ्टी आपके हाथ में है, आप अच्छे से जाइए और अच्छे से एंजॉय करके घर रिटर्न आइए। तो अब हम लोग घर पे रिटर्न जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जल्द मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू फ्रेंड्स।